जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक एकेडमी में अब समर वेकेशंस आ गए हैं और सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं। ज़ियाओ ज़ियाओ अपने घर जाने का डिसाइड करती है और टीचर ज़ुओ वैंग डोंग और यू हाओ को अपने पास बुलाती है। वो दोनों टीचर ज़ुओ के पास जाते हैं और टीचर ज़ुओ यू हाओ से उसकी सेकंड रिंग के बारे में पूछती है कि क्या उसमें कोई दिक्कत है, जिस पर वो मना करता है। टीचर ज़ुओ उनको वेकेशन खत्म होने से थोड़ा समय पहले ही आने को कहती है क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट और मॉनिटर हैं और उन्हें यहाँ का काम संभालना है। वो दोनों अब साइकिल पर जाने लगते हैं और रास्ते में वैंग डोंग सोचने लगता है कि वो कब हाइशन आइलैंड में जाएगा, कब वो इनर बिल्डिंग के अंदर पड़ेगा, जिस पर यू हाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो अपने आप को जीनियस समझते हो, तो अब क्या जीनियस भी टेंशन लेने लगे कि वो अंदर जा पाएंगे या नहीं। वैंग डोंग भी उसका पलटकर मजाक उड़ाता है कि अब एक स्पिरिट रिंग वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वैंग डोंग उससे पूछता है कि तुम्हें सेकंड स्पिरिट रिंग तो एकेडमी से मिल जाएगी ना, तो तुम कहीं और क्यों जा रही हो, जिस पर वो ऐसे ही कोई बहाना बना देता है क्योंकि वो उसे नहीं बता सकता कि स्काई ड्रीम ने उसको बताया है कि उसका एट्रीब्यूट आइस है, इसलिए स्काई ड्रीम उसे अपने होम टाउन ले जा रही है जो कि नॉर्दर्न टिप के अंदर है। वहाँ यू हाओ को अकेले ही जाना होगा। वैंग डोंग भी अपनी बात उसे बताता है कि वो अपने घर जा रहा है और वहाँ अकेले में प्रैक्टिस करेगा, इसलिए वो यू हाओ को इस बार मदद नहीं कर पाएगा उसकी सेकंड स्पिरिट रिंग लेने में, और इस बात से वो दुखी भी है, जिस पर यू हाओ दुखी होते हुए वैंग डोंग से पूछता है कि तुम नहीं चाहते ना कि मैं जाऊँ, जिस पर वैंग डोंग शर्माते हुए मना कर देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल जाओ। अब दोनों साइकिल पर हंसी मजाक करते हुए रूम में जाते हैं और पैकिंग करने लगते हैं। अब अगली सुबह वैंग डोंग को बस स्टेशन पर छोड़ने आता है और वैंग डोंग यू हाओ को छोड़कर जाने के लिए बहुत दुखी फील कर रहा है, लेकिन वो ये चीज यू हाओ के आगे शो नहीं करता। अब उसकी बस आती है और वैंग डोंग उसको अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से बस में बैठकर चला जाता है। यू हाओ भी काफी दुखी है, लेकिन वैंग डोंग तो रोने ही लगता है। अब यू हाओ भी नॉर्दर्न टिप की तरफ जाने लगता है और श्रेक एकेडमी को बाय बोल देता है। वो भी घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और पर्वतों की तरफ जाने लगता है। फिर काफी दूर चलने पर वो आगे का सफर पैदल तय करता है और फिर फाइनली उसे स्नो माउंटेन दिख जाता है। फिर आज की रात को यहीं रुककर कल सुबह जाने का डिसाइड करता है। वो नॉर्थ में 5 दिन और 5 रात से लगातार चल रहा है, इसलिए वो अब यहाँ रेस्ट करने का डिसाइड करता है। अब मौसम में काफी ठंड पड़ गई है, इसलिए वो वही कैंप लगाकर रेस्ट करता है और स्काई ड्रीम से पूछता है कि क्या फार नॉर्थ तुम्हारा होम टाउन है, जिस पर स्काई ड्रीम हाँ करता है और अब वो उसे अपनी पुरानी बैक स्टोरी बताता है। वो जब से यू हाओ की स्पिरिचुअल सी में है और समझ गया है कि यू हाओ कितना अच्छा है, इसलिए वो उसे अपनी स्टोरी बताने को तैयार है। नॉर्थ रीजन ह्यूमंस के लिए फॉरबिडन है क्योंकि उसकी नेचुरल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं जब पैदा हुआ था तो नॉर्मल ऑर्डिनरी आइस सिल्क वॉर्म ही था। सिल्क वॉर्म ड्यूअल कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिट्स के साथ पैदा होती हैं और उनकी कॉम्बैट पावर उनके शेप से लिमिटेड होती है। उनके कुछ नेचुरल एनिमी होते हैं जैसे आइस ब्लू स्कॉर्पियन, जिनकी वजह से कोई भी सिल्क वॉर्म 10,000 साल से ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर पाता। आइस सिल्क वॉर्म स्पिरिट और आइस एट्रीब्यूट दोनों के कल्टीवेशन के साथ पैदा होते हैं, इसलिए सेकंड मार्शल सोल जो स्काई ड्रीम यू हाओ के अंदर लाया वो आइस एट्रीब्यूट की है, लेकिन स्काई ड्रीम कोई ऑर्डिनरी सिल्क वॉर्म नहीं है। जब स्काई ड्रीम 13 साल का था तब आइस स्कॉर्पियन से भागता भागता वो आइस होल में जा गिरा था और वो चीज उसके संग बहुत अच्छी हुई क्योंकि उस होल में उसे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली। वहाँ इटर्नल डार्क आइस मारो था जो आइस होल बीस के लिए अमृत से कम नहीं होता। स्काई ड्रीम ने उस अमृत को पी लिया और उसको पीते ही वो सो गया और जब वो उठा तो उसकी कल्टीवेशन 10,000 सोल बीस की हो गई, लेकिन फिर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला इस होल से। अब फिर सुबह हो जाती है, इसलिए यू हाओ अपना सफर शुरू कर देता है और चलते चलते ही स्काई ड्रीम उसे फिर अपनी कहानी बताना कंटिन्यू करता है। उसके पास एक गोल्डन रिंग आ गई है जिसका मतलब है कि सिल्क वॉर्म 1,00,000 पुराना हो गया है। अभी तक कोई भी सिल्क वॉर्म 1,00,000 साल पुराना नहीं हो पाया था, इसलिए स्काई ड्रीम पहला ऐसा सिल्क वॉर्म है। यू हाओ फिर स्पिरिट गाइड स्केटिंग का यूज करके वहाँ स्केट करके आगे बढ़ने लगता है और फिर स्काई ड्रीम बताता है कि जब वो स्टार द फॉरेस्ट में आया तब उसको 1,00,000 साल पुराने स्पिरिचुअल बीस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी सारी शक्ति लगाकर 1,00,000 साल पुराने दूसरे बीस्ट को बुला दिया, जिससे वो दोनों 1,00,000 साल पुराने बीस्ट आपस में लड़ मरे और मैं वहाँ से भाग निकला। लेकिन ये तरीका ज्यादा देर तक काम नहीं आया क्योंकि वहाँ बहुत सारे 1,00,000 साल पुराने बीस्ट आ गए और उन सभी ने मुझे घेर लिया।
वह तब मर ही गया था, लेकिन तभी मैंने 10th गोल्ड पैटर्न को जन्म दिया और वो अचानक से 10 लाख साल पुराना स्पिरिचुअल बीस बन गया और फिर उसकी मदद से मैं उनके चंगुल से छूट गया। फिर मैंने सोल रिंग ऑफ विजडम बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया और फिर मैं तुमसे मिला और जब से अब तक मैं तुम्हारे अंदर ही रह रहा हूँ। मैंने अब तक बहुत मुसीबतों का सामना किया है, इसलिए अब तुम्हें स्ट्रांग बनकर मेरा बदला लेना होगा, जिस पर यू हाउ उसे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। अब उसके स्केट्स जम गए हैं, इसलिए वो और ज्यादा इनका यूज नहीं कर सकता। वो फिर मैप में रास्ता देखता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। इस जगह के बारे में स्काई ड्रीम को भी अच्छे से नहीं पता है और वो बस 8 दिन से मैप के अकॉर्डिंग बस चले जा रहे हैं। यू हाउ को काफी ठंड लग रही है, इसलिए स्काई ड्रीम अपनी पास का यूज करके उसके आसपास लिपट जाता है और स्काई ड्रीम एक तरफ से उसके कपड़े बन जाता है, जिससे यू हाउ को काफी आराम मिलता है। अब वो नॉर्थ इन के सेंट्रल एरिया में जाने लगता है। यह चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ये असल में डीप नॉर्थ का कोर एरिया है। स्काई ड्रीम चलते हुए यू हाउ को तुरंत पत्थर के पीछे छुपने को कहता है और फिर तभी वहाँ बहुत बड़ा एवलांचे यानी बर्फ का पत्थर खिसकता है और नीचे गिरता है, जिससे इस जगह के बारे में यू हाउ को समझ आ जाता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। वहाँ उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज भी सुनाई देती है और यू हाउ जब इसके बारे में स्काई ड्रीम से पूछता है तो वो बताता है कि ये उन 3 डेमन्स में से एक आइस डेमन है जो यहाँ पर राज करता है। इसका नाम स्नो डेमन टाइटन है और मेरी स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो हमें नहीं देख पाया है, इसलिए हम बच गए हैं। आइस डेमन स्नो क्वीन, आइस शेड स्कॉर्पियन एम्परर और स्नो डेमन टाइटन यहाँ के 3 राजा हैं। उन तीनों के अंदर ही आइस गॉड का ब्लड दौड़ता है और वो ही यहाँ के असली रूलर हैं। स्नो डेमन टाइटन 3rd नंबर का राजा है और वो 2 लाख साल पुराना है। ये सब सुनकर यू हाउ को डर लगने लगा है कि वो इन सब के बीच आखिर क्यों आया है। वो स्काई ड्रीम से पूछता है कि कब तुम मेरे अंदर सेकंड स्पिरिट रिंग ऐड करोगे, जिस पर स्काई ड्रीम एम्बैरस होते हुए कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये थोड़े ही ना है, हमारा ऑब्जेक्टिव उसके पास जाना है जो सेकंड रैंक पर है, वो है आइस शेड स्कॉर्पियन एम्परर। यू हाउ कहता है कि वहाँ तक जाने में क्या हमारा फूड राशन खत्म नहीं हो जाएगा, जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि तुम बस चुपचाप आगे चलते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो बर्फीले तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ता है और फिर वो जब थक जाता है तो वहाँ रेस्ट करने का सोचता है, लेकिन स्काई ड्रीम उसको आगे बढ़ने को कहता है क्योंकि यहाँ खतरनाक आइस पीस रहते हैं और यहाँ रुकना बिल्कुल ऐसा है जैसे मौत को दावत देना, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। वहाँ वो बहुत आगे आ जाता है और आसमान में ऑरा को देखकर काफी खुश होता है। अब फिर वहाँ उन्हें एक इग्लू बना हुआ दिखता है जो कि स्काई ड्रीम ने ही बनाया था, इसलिए अब यू हाउ वहाँ जाकर रेस्ट करने का डिसाइड करता है। स्काई ड्रीम उसकी बॉडी को अब चार्ज करने लगता है और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।